अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू तो माय अंदर ब्लॉग एंड अदर वीडियो तो जी कैसे हैं मेरे प्यारे से व्यूअर्स आई होप सब ठीक ठाक होंगे हैरियस से होंगे और मज़े में होंगे तो ची व्यूअर्स बहुत देर के बाद आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और कुछ मसरूफ़ियात की वजह से आपके साथ कुछ भी शूट नहीं थी कर पा रही तो ची माशाल्लाह से सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक और रमज़ान का महीना जो है वो चल रहा है बरकतु नमत रहमत अला तो रोज़े सब रख रहे हैं कैसे चल रहे हैं सब के रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं और यहाँ पे मैं कुरान शरीफ़ की तलावत कर रही हूँ अच्छा कहती हैं कि कुरान पाक हर नमाज के बाद हम चार सफ़े अगर कुरान पाक के पढ़ते हैं तो हमारा कुरान पाक जो है ना वो ख़त्म हो जाता है एक मंथ में तो बस मैं जो है ना यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुरान पाक जो है ना मैं रमज़ान के महीने में ख़त्म करूँ तो जी यहाँ पे मैंने अफ्तारी की जो तैयारी है ना वो स्टार्ट कर दी है और टाइम मेरे पास थोड़ा था तो बस मैंने लेट ही अफ्तारी की जो तैयारी है ना वो स्टार्ट की है और यहाँ पे मैंने मिक्रोनिया बनाई हैं जी और मिक्रोनिया जो है ना सिंपल वाली हमने बनाई है तो आलू और बंद गोभी वाली मिक्रोनिया है जी ये बस दो चीज़ें मैंने जो है ना वेजिटेबल में ऐड की थी तो बस सिंपल सिंपल सी हमने मिक्रोनियाँ बना ली और साथ मैंने पकोड़े भी बनाए जी और पकोड़ों के लिए मैंने यहाँ पे इसका जो है ना पैटर तैयार कर लिया था और ये जी आलू कुछ बच गए थे तो मैंने इसको ना चिप्स की शेप में काट लिया और बेसन और थोड़ा सा जो है ना नमक और सफ़ेद ज़ीरा वो हम करके ना इसको मिक्स तो ये भी चिप्स फ्राई करें ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो जी खरबूज़ा भी मैंने कट कर लिया है और साथ स्ट्रॉबेरी है उसका शेक बनाना था तो है दूध वाला भी नहीं था आया तो उसका बस वेट कर रहे थे कि दूध वाला आ जाए तो यहाँ पे जी जामेशीरी बन रही है वैसे जामेशीरी और रूफ़ सा ये तो कह लें कि रोज़े की ना जान होती है मतलब हर अफ़तारी में ना आपको हर घर में ये जो रूफ़ जाए ना जामेशीरी है ये ज़रूर देखने को मिलेगी तो अच्छा जी यहाँ पे मैं ना अब पकोड़े बनाने लगी हूँ और पकोड़ों में मैंने क्या डाला था जी आलू है पालक है इसमें मैंने बंद गोभी भी डाली थी तो इसके अंदर जो है ना सिंपल वाले जो मसाले ऐड करते हैं वो डाले व्यूअर्स पकौड़े बहुत टेस्टी हमारे रेडी हुए थे बड़े क्रिस्पी से रेडी हुए थे और सब ने बहुत तारीफ की थी वैसे है मुझे ना अपने हाथ की ना बहुत कम चीज़ पसंद आती है वैसे होता है जो बंदा चीज़ बनाता है ना जो खुद से चीज़ बनाता है ना वो उसको वो टेस्ट नहीं आता जो दूसरा कोई खा के बता सके तो सब ने बहुत पसंद किए थे पकौड़े जी और बस फटाफट में यहाँ पे ना पकोड़े बना रही थी और जी यहाँ पे हम सारी चीज़ें भी रख रहे थे साथ साथ क्योंकि टाइम जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा रह गया था और बस कह लें कि अफतारी में ना ऐसा होता है जब अवतारी मतलब टाइम थोड़ा रह जाता है अवतारी करीब होती है तो बस उस टाइम बाग दौड़ लगी होती है फटाफट से जो है ना हम दस्तरहान लगाएं और चीज़ें रखें और अच्छा सहरी और जो अफतारी है ना इतनी वो रहमतें और बरकतें होती है ना सहरी में अफतारी में और इतनी रौनक माशाल्लाह से होती है ना सहरी में भी अफतार में भी तो बस अल्लाह पाक जो है ना हमारे ये रोज़े कबूल करें और इस माँ रमज़ान के महीने में हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करें आमीन तो जी यहाँ पे मैं मिक्रोनिया भी डाल रही हूँ जी तो गर्मा गर्म सब कुछ जो है ना वो हमारा रेडी हो गया हुआ था तो जी इनशाला अब आपके साथ जो है ना डेली ब्लॉग शेयर किया करूँगी डेली रूटीन अब आपके साथ सहरी की अवतार की शेयर किया करूँगी तो बहुत गैप हो गया वैसे मैं बहुत कम मतलब जो है ना गैप करती हूँ मतलब मेरी ये रूटीन होती है कि मैं आपके साथ डेली ब्लॉग शेयर करूँ तो बस मसरूफियात की वजह से ना आपके साथ कुछ भी शूट नहीं हो पाया तो बस जी यहाँ पे मैंने कैचो भी डाल दी है मिक्रोनियम के ऊपर और चीज़ें जो हैं हम साथ साथ रख रहे थे और जो है ना मैं यहाँ पे रोटी भी बना रही हूँ जी तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो कह रहे थे साथ खाना भी जो है बनाया तो साथ रोटियाँ भी फटाफट से बना लो तो वैसे ना वो खाना खाते हैं मतलब जो है ना पकोड़े और की तली हुई चीज़ें बहुत कम खाते हैं तो मुझे तो बड़ी पसंद है मतलब तली हुई चीज़ें मतलब समोसे पकौड़े ये तो मेरे फेवरेट हैं तो उनके लिए बस मैं यहाँ पे जी रोटी बना रही हूँ और यहाँ पे जी जो चिप्स थी ना वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ तो बड़ा ना अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ सफ़ेद जीरे के साथ और नमक निम, के साथ और थोड़ा सा बेसन लगा के चिप्स को फ्राई करे ना तो जी चीज़ें हमारी जो है ना वो रेडी हो गई हैं और यहाँ पे जी मैं आपके लिए मिला रही थी शूट और साथ हमने जी नाते लगाई हुई थी तो हम बस वेट कर रहे थे अवतार का तो बस रह गए थे पाँच मिनट तो हम सब बैठे हुए थे दुआ कर रहे थे और कहते हैं कि अवतार अवतार के टाइम जो है ना जो भी दुआ मांगे ना कबूल होती है तो जी बहुत सारी दुआ की और व्यूवर रोज़ा अफ्तार हो गया था और हम सब ने रोज़ा रोज़ावतार किया और उसके बाद यहाँ पर मैं मगरब की नमाज पढ़ रही हूँ तो जी ये मैं तस्वीर हाथ जो पढ़ती हूँ हर नमाज के बाद वो मैं पढ़ रही थी और बस अल्लाह पाक हमारे ये रोज़े कबूल करे और हम सबको माफ़ करे और हम पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश करे तो जी नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए ना लेट गई थी और यहाँ पे मैं ये तस्वीर रही थी तो जो है बस ऐसे ही रूटीन मेरी जो है ना आज की गुजरी है रोज़े की तो बस आपके साथ शेयर की है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे बहुत सारा आपने सपोर्ट करना है तो जी आपकी सिस्टर आमना जो है ना आपके साथ अब आप इनशाला डेली ब्लॉग शेयर किया करेगी बहुत गैप हो गया है तो इनशाला आपके साथ अब आप सहरी और रफ्तार की रूटीन शेयर किया करूँगी तो जी यहाँ पर मैंने शेक बना लिया था और आज का जो ये ब्लॉग है जी अवतार का आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो जी नेक्स्ट ब्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त